अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं संडे कामराठी। तो जितने लोग थे भाई जो बोल रहे थे बुलान की वीडियो जो है वो नहीं आ रही, तो भाई देख लो अभी जो है वो हम पहुंच चुके हैं बुलान वाली साइड पे। तो अभी कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ हो सके जो है वो ऐड कर लें, क्योंकि 6:30 जो है बजने 7 बजे, आधे घंटे का जो है टाइम है। तो कोशिश करूँगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ ऐड कर लूँ। तो अभी शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला मॉडल जो है वो है 2018 का जो है मॉडल है। गाड़ी जो है वो साफ़ सुथरी कंडीशन में, बाकी एक कितने पीस रहता है मैं जो भी टू दैट जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, जो गाड़ी के ऑनर हैं जब उनसे बात करेंगे तो अच्छे से जो है मालूम कर लेंगे। फ्रंट पे इसके गार्ड वगैरह मिल जाता है, क्रोमिक गार्ड जो है वो फ्रंट पे लगा हुआ है। साइड वाइड जो है वो गाड़ी के क्लियर हैं। ओवरऑल यानी कि गाड़ी काफ़ी अच्छी सी जो है आप लोगों को मिल जाती है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी गाड़ी जो है वो पूरी क्लियर है। चलते हैं चल के एक नज़र जो है बैक साइड देख लेते हैं, बैक साइड से जो है वो गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिल जाती है। तो वैसे तो इन्होंने काफ़ी मेंटेन जो है वो गाड़ी रखी हुई है। बाकी बैक साइड पे भी इसी तरीके से आप लोगों को क्रोमिक गार्ड वगैरह मिल जाता है और बैक साइड से भी गाड़ी क्लियर है। चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर किस तरीके से मौजूद है। तो इंटीरियर में सबसे पहले दरवाजे वगैरह जो है वो गाड़ी के हम लोग देख लेते हैं। तो दरवाजे वगैरह देखने आप लोगों के सामने क्लियर आप लोगों को जो दरवाजे मिल जाते हैं, यानी कि डोरियाँ वगैरह क्लियर हैं, नीचे की साइडें क्लियर हैं। बाकी अंदर आ जाते हैं डैशबोर्ड वगैरह देख लेते हैं, तो डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का आप लोगों को जो है वो क्लियर मिल जाता है। इसी तरीके से अगर सीट्स वगैरह की बात करूँ तो सीट्स वगैरह भी जो है इन्होंने अच्छी सी मेंटेन रखी हुई, यानी कि कंपनी फिटेड जो सीट्स आती हैं वही हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी से साफ़ सुथरी रखी हुई हैं। बाकी बैक साइड की अगर सीट्स की हम बात करें तो अभी तक शॉपर्स वगैरह जो इसकी शीट्स होती हैं वो भी चढ़ी हुई है, गाड़ी साफ़ सुथरी है। यहाँ से नीचे जो है रबर मैटिंग वगैरह हुई भी है, यानी कि ओवरऑल गाड़ी जो है वो क्लियर है। बस चलते हैं अभी जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे हल्के बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं भाई गाड़ी का क्या हिसाब किताब है और गाड़ी की क्या डिमांड जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ से बैक साइड से भी भाई दिखा रहे थे कि भाई देख लो यहाँ पर कोई रस्ट वगैरह नहीं है, गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो बस अभी चलते हैं भाई के पास, भाई से मालूम करते हैं भाई इसकी क्या डिमांड वगैरह है और गाड़ी कितने की जो है वो दे रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है इकराम भाई, और इकराम भाई की जो ये गाड़ी है, इकराम भाई को अगर नहीं कोई पहचानता तो याद करें, जिन्होंने बोला था ना बुलबुल का बच्चा ही है, ले जाओ इसे। तो ये वही वाले इकराम भाई है। इकराम भाई 2018 का मॉडल है, कैसी भाई? बुलबुल का बच्चा है, फिर से वही वाला, फिर से वही बुलबुल का बच्चा है जो है ना। 18 मॉडल है और 9,30,000 रुपये डिमांड कर रहा है। गाड़ी फुल जीनियर है, सस्पेंशन में कोई काम वाम नहीं है, से क्लियर गाड़ी, पूरी जेन्युइन है, पूरी जीनियर गाड़ी है। ठीक है, ओनर कितना है गाड़ी के? फर्स्ट ओनर है। चली भी कितना है? चले 24,000। ठीक है, क्या डिमांड रखी गाड़ी की? इसका 9,30,000 डिमांड। ठीक है, 9,30,000 रुपये जो है वो गाड़ी के डिमांड है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो भाई ने हमें बता ही दी है, अपना नंबर भी शेयर करते हैं 0311-00-25-217। ठीक है, तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूमात जो है वो ले सकते हैं। बब बुलबुल का बच्चा नहीं, हाई रूफ ही मिलेगी और हम लोगों को मिल गई है। 2018 का ये मॉडल है, गाड़ी काफ़ी अच्छी है, इसका इंटीरियर वगैरह सारा जो है इन्होंने कस्टमाइज़ करा हुआ है अपने हिसाब से, पूरी जो है चीज़ें बनवाई हुई हैं। फिलहाल इस गाड़ी की बात करूँ तो फ्रंट साइड पे जो है वो आप लोगों को गार्ड वगैरह लगे हुए मिल जाते हैं, साइडें वाइडें गाड़ी की जो है वो क्लियर हैं। बाकी कोशिश करेंगे भाई गाड़ी अच्छे से जो है वो देखना। बाकी इसके अलावा टायर्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो टायर्स वगैरह जो है वो गाड़ी के आप लोगों को अच्छी कंडीशन में जो है वो मिल जाते हैं, ग्रिप्स वगैरह जो है वो नज़र आ रहे हैं। बाकी नॉर्मली व्हील कैप वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। बैक साइड से अगर हम बात करें तो इसके अंदर हैवी साउंड सिस्टम वगैरह गाड़ी के अंदर इन्होंने डाला हुआ है, तो साउंड वगैरह का अगर कोई शौकीन है तो भाई उस हिसाब से भी देख लो, गाड़ी के अंदर साउंड आपको भरपूर मिल जाएगा बेस वेस वाला। बाकी नीचे यहाँ पर कोई रस्ट वगैरह नज़र नहीं आ रही। यहाँ से अगर मैं आप लोगों को इंटीरियर दिखाऊँ गाड़ी का, तो इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त सा आप लोगों को मिल जाता है। सो भाई ऐसी गाड़ियाँ जो है वो आप लोगों को बहुत कम मिलेंगी, जहाँ पर आपको चारों फैन चलते हुए मिल जाएँ और इसके अलावा LEDs वगैरह हर चीज़ जो है वो गाड़ी की वर्किंग में हो। तो बहुत अच्छा सा जो है इन्होंने इंटीरियर बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा सा लुक लगा, तो मैंने बोला चलो यार आप लोगों को अच्छे से जो है वो दिखा दूँ। चलते हैं फ्रंट साइड से भी चल के एक नज़र जो है वो गाड़ी का लुक देख लेते हैं किस तरीके से जो है मौजूद है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊं तो नीचे रबर मैटिंग वगैरह हुई हुई है और पूरी मैचिंग में जो है इन्होंने काम करा हुआ है, डिटेलिंग में काफ़ी अच्छा सा जो है वो काम करा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम फ्रंट पे आ जाएं तो फ्रंट पे भी देख लें आप लोग, दरवाजे वगैरह यहाँ से क्लियर हैं, गाड़ी के साइडें वाइडें क्लियर हैं, पट्टियाँ। बाकी हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जो है रबर मैटिंग हुई हुई है, डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का जो है वो क्लियर है, सीट्स वगैरह पूरी जो है आफ्टर मार्केट बनी हुई है, काफ़ी अच्छी सी डिटेलिंग है। बस चलते हैं अभी जो गाड़ी का ऑनर उनसे चल के बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं। मौजूद है मोहम्मद आरिफ भाई जिनकी ये गाड़ी है। अरे भाई गाड़ी तो माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी बनाई हुई, इंटीरियर वगैरह मैंने पूरी चीज़ें जो है दिखाई, कैसी ये गाड़ी चल रही है? अच्छी गाड़ी चल रही है, इंजन सस्पेंशन वगैरह काम नहीं, पेपर वगैरह इसके क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, टैक्स भी क्लियर देंगे। और चली भी कितना ये गाड़ी? 16,000 जो चली, यानी कि काफ़ी कमी जो है वो चली। अच्छा, पूरी जेन्युइन है, कोई पीस टचअप वगैरह नहीं है इसका? 18 मॉडल है, कैसे टचअप है सही, लेकिन फिर भी हम तो कोशिश ये करते हैं ना जो हमारे देखने वाले हैं ऐसी बात है उनको सही से डिटेल्स वगैरह पता चल जाए, कोई काम हो तो वो जो है वो पता चल जाए। कुछ काम नहीं, क्या डिमांड रखी आपने इसके? 9,40,000। ठीक है, 9,40,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। 2018 का ये मॉडल है, गाड़ी तो आपने ओवरऑल जो है वो देखी ली है, अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा 0342-25-10-293।
ठीक है, तो ये जो आरिफ भाई का नंबर है इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूमात जो ले सकते हैं। अभी जल्दी से आगे बढ़ते कोशिश करते हैं। अभी हम लोग के पास मौजूद है 2019 का ये मॉडल है, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई दो आगे के मॉडल दिखाएं। एक भाई हमारे पिछली दफ़ा में मिले भी थे जो बोल रहे थे उनको जो है वो 2019 का मॉडल चाहिए, तो अभी ये गाड़ी जो है वो देख लें। पूरा इंटीरियर जो है वो गाड़ी का कस्टमाइज़ करा हुआ है इन्होंने, फ्रंट साइड पे क्रोमी गार्ड्स वगैरह लगे हुए, साइडों पे गार्ड्स हैं। बाकी इसके अलावा टायर्स वगैरह की बात करूँ, टायर्स वगैरह आप लोगों को नॉर्मल कंडीशन में जाते हैं, नॉर्मली व्हील कैप्स वगैरह जो है वो गाड़ी पे लगे हुए हैं। गाड़ी देख लेते हैं ओवरऑल पहले हम लोग चारों तरफ से किस तरीके से जो है मौजूद है। सो बैक साइड पर आ जाते हैं भाई हम लोग। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो बैक साइड से गाड़ी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मिली है, यहाँ पर कोई रस्ट वगैरह नहीं है। नीचे शीट वगैरह जो है अच्छी सी इन्होंने लगाई हुई है रबर वाली। बाकी इसके अलावा इंटीरियर में आप लोगों को अगर यहाँ से दिखाऊँ तो पूरा जो है वो सोफ़ा स्टाइल में जो है इन्होंने इंटीरियर बना हुआ है। दोनों सीट जो है वो सोफ़ा स्टाइल में मौजूद हैं। इसी तरीके से मैं फ्रंट साइड पर आपको लेके चलता हूँ और फ्रंट साइड से जो है वो गाड़ी दिखाता हूँ कि फ्रंट साइड से गाड़ी जो है वो किस तरीके से मौजूद है। तो फ्रंट साइड की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल जाती है, यानी कि सीट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर मिल रही है। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई रस्ट वगैरह जो है वो आप लोगों को नहीं मिलता, यानी कि ओवरऑल गाड़ी ये भी यहाँ से क्लियर है। बाकी फ्रंट साइड एक नज़र दिखा देता हूँ गाड़ी की। सो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ के दरवाजे वगैरह आप लोग नीचे से देख लें, यहाँ पर मुझे कोई रस्ट वगैरह नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा दरवाजे की जो पट्टी होती है ये भी जो है वो गाड़ी की क्लियर है। देखें 2019 का ही मॉडल है तो जाहिर सी बात है आपको जो है वो गाड़ी क्लियर मिलती है। बाकी इसी तरीके से आगे की भी सोफ़ा सीट्स हैं और ये आती नहीं है कंपनी के बाद, जो आफ्टर मार्केट जो है ये बनवाते हैं और काफ़ी अच्छा सा जो है लुक दिया हुआ है गाड़ी को। बस चलते हैं अभी जो गाड़ी के ऑनर है उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं भाई उन्होंने इसकी क्या डिमांड रखी है और गाड़ी की। मौजूद है करीम भाई, करीम भाई की जो है ये गाड़ी है। करीम भाई 2019 का ये मॉडल है, गाड़ी पूरी आपने अंदर से जो है वो मैं मॉडिफाई करी हुई अपने हिसाब से बनाई है। कैसी है गाड़ी? ओके, सब कुछ इंजन सब कुछ ओके, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है, पूरी गाड़ी जेन्युइन पे पेपर वगैरह क्लियर है? क्लियर है। चली भी कितना है ये गाड़ी? क्लियर है, ये 22,000 किलोमीटर। 22,000 चलिए। क्या डिमांड रखी आपने? 9,70,000। ठीक है, 9,70,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। 2019 का ये मॉडल है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें तो भाई ने आपको बता ही दी है, अपना नंबर शेयर कर दीजिए। 0342-25-10-293। ठीक है, तो ये जो है भाई का नंबर है इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूमात जो है ले सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ ऐड करते हैं। छोड़ चुके हैं तो अभी एक और 2018 का मॉडल हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो भाई 2018 के मॉडल की तो आज लाइन ही लगा दी आपके भाई ने। तो भाई जितने भी 2018 वाले लोग थे जिनको चाहिए थी गाड़ियाँ जो है वो देख लें गाड़ियाँ। असल में टाइम मेरे पास कम है, शॉर्ट जो जल्दी गाड़ी मुझे मिल रही है वही मैं रिव्यू कर रहा हूँ। सो इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी भी आप लोगों के सामने फ्रंट पे जो है इसके क्रोमी गार्ड वगैरह मिल जाता है, साइड पे भी गार्ड लगा हुआ है। गाड़ी ये भी पूरी क्लियर है। अंदर से अगर इंटीरियर की बात करूँ तो इसका इंटीरियर पूरा इन्होंने जो मॉडिफाई करा हुआ है, अपने हिसाब से जो है वो बनाया हुआ है। सो काफ़ी अच्छा सा जो है लुक दिया हुआ है। बाकी अगर इसके अंदर बात करें हम लोग साउंड सिस्टम वगैरह की, तो हैवी साउंड सिस्टम आप लोगों को मिल जाता है। अगर साउंड वगैरह आप लोगों को पसंद है कि भाई हाँ भाई हमारी गाड़ी में अच्छा सा जो है वो साउंड होना चाहिए, सो ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा सा जो है इन्होंने अच्छा वो करा हुआ है। बाकी इसके अलावा अगर सीट्स वगैरह की बात करूँ तो सीट्स का भी काफ़ी अच्छा सा जो है डिज़ाइन दिया हुआ है। पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आते तो आपको पता पुराने पुराने डिज़ाइन आते थे, लेकिन अभी ये डिज़ाइन भी जो है इन्होंने एक अलग से अच्छा सा जो है बनाया हुआ है। सो काफ़ी अच्छा सा इसको भी लुक दिया हुआ है। आगे से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रंट साइड से किस तरीके से जो है मौजूद है। तो फ्रंट साइड से आप लोग यहाँ से देख लें, पूरी जो है वो क्लियर है सीट्स, क्योंकि नई सीट्स हैं तो उसके हिसाब से तो आप लोगों को अच्छा ही वो मिल जाता है। बाकी नीचे रबर मैटिंग वगैरह हुई भी है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड से भी देख लें आप लोग दरवाज़ों की साइड की पहले पट्टियों वगैरह की बात करूँ तो यहाँ कोई रस्ट वगैरह नहीं है। बाकी इसके अलावा पैनल्स वगैरह भी इन्होंने नए बनवाए हैं। इसी तरीके से अगर हम डैशबोर्ड वगैरह की बात करें, डैशबोर्ड वगैरह साफ़ सुथरा मिल जाता है। इसके अलावा डैशबोर्ड पर भी इन्होंने जो है वो पूरा मैट वगैरह बनवा के जो है लगवाया हुआ है, अच्छा सा मेंटेन करा हुआ है इसको। सो ओवरऑल गाड़ी तो हम लोगों ने देख ली। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर उनसे के बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड है। मोहम्मद रशीद भाई, मोहम्मद रशीद भाई की जो है ये गाड़ी है। रशीद भाई 2018 का ये मॉडल है गाड़ी, माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा सा जो है अंदर से मेंटेन करा हुआ है। कैसी है गाड़ी? गाड़ी 2018 का मॉडल है, चलने में कैसी? चलने में बहुत खूबसूरत होगी गाड़ी। हाँ, इंजन भी ओके, कागज़ भी सारे ओके, ठीक है, सब कुछ ओके। चली भी कितना है ये? 16,000 कुछ है चली हुई। ठीक है, बाकी ऑनर कितने गाड़ी के? फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ऑनर ही गाड़ी। क्या डिमांड रखी आपने इसकी? ये 9,50,000। ठीक है, 9,50,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड रखी है। 2018 का ये मॉडल है। बाकी सारी चीज़ें तो भाई ने हमें जो है वो गाड़ी के बारे में जो है बता ही दी हैं। अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। 0349-29,064 29,064। मकसद आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा सकते हैं आप लोग। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ ऐड करें। 2016 का जो है ये मॉडल है और नूर भाई की जो है ये गाड़ी है। तो भाई नूर भाई को जितने लोग याद कर रहे थे तो अभी ये गाड़ी जो है वो देख लो, काफ़ी अच्छी कंडीशन में जो है गाड़ी रखी है। पूरी गाड़ी जो है जेन्युइन में बता रहे हैं। फ्रंट पे जो है इसके गार्ड वगैरह आप लोगों को मिल जाता है, क्रोमिक साइडों पे गार्ड है। बाकी इसके अलावा अगर मैं इसके अगर टायर्स वगैरह की बात करूँ, टायर्स वगैरह अच्छी कंडीशन मिल जाते हैं और व्हील कैप भी काफ़ी अच्छी सी जो है इन्होंने तरीके के लगाए हैं। ये वाले मुझे काफ़ी पसंद आए थे, तो काफ़ी अच्छा सा जो है आप लोगों को मिल जाता है। बाकी चलते हैं गाड़ी को बैक साइड से एक नज़र जो है वो हम लोग देखते हैं, बैक साइड से गाड़ी जो है वो किस तरीके से मौजूद है।
सो बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को पूरी क्लियर मिल जाती है। नीचे गार्ड वगैरह जो है वो लगा हुआ है। बाकी इसके अलावा बात करें हम साइडों के गार्ड्स की तो साइडें भी जो है वो क्लियर, यानी कि ड्राइविंग साइड भी आप लोगों को पूरी जो है वो क्लियर मिल जाती है। चलते हैं चलते गाड़ी का जो है वो इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर जो है वो किस तरीके से मौजूद है। तो इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो इंटीरियर में सोफ़ा सीट्स वगैरह जो है इन्होंने पूरी मेंटेन करी हुई है, यानी कि सोफ़े वाली सीट्स जो लोग जानते हैं उनको पता है। वैसे मैंने बोला चलो नॉर्मली आप लोगों को बता दूं, सोफ़ा सीट जो है वो लगी हुई है इसके अंदर। साइडो पैलेडीज वगैरह है, बाकी नीचे जो है रबर मैटिंग वगैरह हुई हुई है गाड़ी के अंदर, यानी कि गाड़ी ओवरऑल जो है ये भी आप लोगों को क्लियर मिल जाती है। इसके अलावा अगर फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट के दरवाजे वगैरह देखने, दरवाजे वगैरह जो है वो क्लियर है, नीचे कोई रस्ट वगैरह यहाँ नज़र नहीं आ रहा। बाकी इसके अलावा यारी साइड देखने ये भी क्लियर है, जो कब्जे वगैरह होते हैं ये भी क्लियर है। अंदर आ जाते हैं, हैंड रेस्ट वगैरह जो है इन्होंने लगाया हुआ है। बाकी इसके अलावा आप लोगों को मोबाइल का एक स्टैंड भी लगा हुआ मिल जाता है और आगे से अच्छा सा टेक्सचर दिया हुआ है, यानी कि गाड़ी जो है वो पूरी आप लोगों को साफ़ सुथरी कंडीशन मिल रही है। इसके अलावा हैवी साउंड सिस्टम भी जो है गाड़ी के अंदर मौजूद है, वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो बात करें अगर हैवी साउंड सिस्टम की तो हैवी साउंड सिस्टम आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। एक बूफर जो है वो लगा हुआ है, बाकी स्पीकर्स वगैरह जो है वो गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। तो अगर आप लोगों को साउंड वगैरह पसंद है तो उस हिसाब से भी गाड़ी अगर आप देखें तो वो भी जो है आप लोगों की ये चीज़ आप लोगों को मिल जाती है। बस चलते हैं अभी जो गाड़ी के ऑनर उनसे इनके बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं। असद, असद की जो है गाड़ी है, असद माशाल्लाह से गाड़ी काफ़ी अच्छी सी जो है मेंटेन रखी हुई है। कैसी गाड़ी है चलने में? बहुत आला, इंजन सस्पेंशन वगैरह कुछ होकर सारी चीज़ें जो वो क्लियर है। बाकी चली भी कितना है ये गाड़ी? अभी 25,000 किलोमीटर 25,000 जो है वो चली हुई है। और गाड़ी के ऑनर कितने हैं? एक ही फर्स्ट ऑनर ही गाड़ी है। अभी ओपन लेटर पे गाड़ी है, ओपन लेटर, ओपन लेटर पे क्या डिमांड रखी है इसकी? 8,20,000। ठीक है, पूरी जो है जेनुइन है, 8,20,000 रुपये जो है गाड़ी की डिमांड रखी है। ठीक है, बाकी अपना नंबर भी शेयर करो। 0321-21-63-477। ठीक है, तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मजीद मालूम जो है ले सकते हैं। अभी जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी मौजूद है। उस्मान भाई, उस्मान भाई की जो है गाड़ी मैं आप लोग अच्छे से दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मोबाइल में चार्ज कम है और टाइम बहुत कम है। तो उस्मान भाई डिटेल्स। सर ये 90 मॉडल है और इसकी रिटर्न फाइल वगैरह टैक्स वगैरह क्लियर है, CPLC से गाड़ी ओके है। और इस गाड़ी की डिमांड जो है 2,70,000 रुपये फाइनल, 2,55 में दे दूँगा। 2,55 में दे देंगे। और गाड़ी में कोई काम नहीं है, अभी इंजन बनवाया है इसका, सस्पेंशन का पूरा काम करवाया, बाकी गाड़ी नॉर्मल है, साउंड वगैरह नहीं है भाई। ठीक है, सादी सी गाड़ी है, देख लें गाड़ी एक बार। गाड़ी मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, अपना नंबर शेयर करते हैं। 0312-20-50-807 उस्मान आलम नाम है मेरा। ठीक है, तो अभी जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि अब ज़्यादा गाड़ियाँ का टाइम नहीं बचा हमारे पास। ये लास्ट एक नज़र जो है वो गाड़ी दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और टाइम हम लोगों के पास बहुत कम था, महदूद था, तो उस हिसाब से जो है वो सही है। और हॉर्न की आवाज़ आप लोगों को जो है आ रही होगी टन टन। सो गाड़ी मैंने आप लोगों को चारों तरफ से जो है वो दिखा दी है, बाकी है कि जब आप कॉल करेंगे तो अच्छे से डिटेल्स वगैरह जो है वो ले लिएगा जो गाड़ी का होना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो भाई जितनी बुलान में ऐड कर सकता था इतने टाइम में मैंने जो है वो ऐड कर लिया, आधे घंटे में जो है वो आप लोगों के सामने जो भी जो है ऐड हुई। 5 मिनट रहते हैं अभी 7 बजने में, तो कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में जो है वो और भी जो है हम लोग वीडियोज़ बनाते रहें इसी तरीके से। बाकी के पुराने मॉडल भी जो है मैं ऐड करता रहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि यार आप पुराने मॉडल जो है वो ऐड नहीं कर रहे, नए नए मॉडल जो है वो ऐड करते रहते हो। तो यार असल में मसला ये टाइम का बड़ा इशू होता है, आप लोगों को पता है मैं 3-3, 4-4 वीडियोस जो है वो एक ही दिन में बना रहा होता हूँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को गाइड करना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते भाई सब्सक्राइब करके जो है वो ज़रूर जाइएगा चैनल को।